हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी रेवाड़ी यूट्यूब चैनल। इन टुडेज इंग्लिश लेक्चर आई विल टीच यू 12th क्लास लेसन नंबर 5। लेसन नेम इज इंडिगो। दिस इज आवर पार्ट नंबर 2। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस the introduction of this lesson. In this present lecture we discuss some questions related about this lesson. So let's start our topic. All students listen carefully. Our first question is, who was Rajkumar Shukla? Rajkumar Shukla hai wo kaun tha? Rajkumar Shukla was a poor peasant ऑफ चंपारण इन बिहार। कि राजकुमार शुक्ला है वो एक गरीब किसान था चंपारण बिहार के अंदर। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी इन चंपारण? राजकुमार शुक्ला है गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे? राजकुमार शुक्ला वो जे पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण, he wanted to take Gandhi ji in Champaran because the landlord system in Bihar was very critical and the poor peasants in Champaran were very charges very high fees from lawyers and also the landlords spoil all their life. So Rajkumar Shukla wanted to take Gandhi ji in Champaran to fight against the unjust system in Champaran Bihar. वहाँ जो चंपारण बिहार के अंदर जो जमींदार व्यवस्था थी, वहाँ इंडिगो बोने के लिए किसानों को बाध्य किया जा रहा था, उनकी किसानों की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए राजकुमार शुक्ला उनको वहाँ ले जाना चाह रहे थे। हाउ वॉज राजकुमार शुक्ला ए रेसोल्यूट पर्सन? राजकुमार दृढ़ निश्चय व्यक्ति किस प्रकार थे? राजकुमार शुक्ला वैन राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। जब गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिले तो उस समय गांधी जी हैं वो बहुत ही बिजी थे। राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी इन बिहार, गांधी जी को वो बिहार ले जाना चाहते थे। गांधी जी सेड टू हिम दैट ही मीट हिम कोलकाता, बट राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम वेयर गांधी जी वेंट। गांधी जी ने बोला था कि वो उनको कोलकाता मिले, लेकिन गांधी जी का पीछा यानी वो उनका अनुसरण करता रहा, जहाँ भी गांधी जी गए उनके पीछे पीछे रहे। और इन द एंड गांधी जी फाइनली डिसाइडेड टू गो टू चंपारण, और अंत में गांधी जी ने निर्णय लिया था कि वो चंपारण जाएंगे। इसलिए वो एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे कि वो गांधी जी को मनाने में सफल रहे थे। Why do you think the servant thought Gandhi ji to be another peasant at the house of Rajendra Prasad? कि राजेंद्र प्रसाद के घर पे जो वहाँ नौकर थे उन्होंने गांधी जी को एक गरीब अन्य गरीब किसान क्यों समझ लिया था? गांधी जी वॉज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड लुकअप, ही वॉज ए वेरी सिंपल मैन। गांधी जी अपनी ड्रेस से और हाव भाव से और उनकी वर्किंग से बहुत ही सिंपल थे। सो द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वॉज टू बी एन अनदर पीजेंट। वाई डिड गांधी जी चीट द लायर? लायर को क्यों धमकाया था? कि वहाँ लॉयर्स हैं वो किसानों की तरफ से जब केस लड़ने के लिए उनसे चार्जिंग हैं वो हाई ले रहे थे, तब गांधी जी ने उनको धमकाया था। द लॉयर्स इन चंपारण चार्जेस वेरी हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, द पुअर पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे दीज हाई फीस
So Gandhiji cheated them. If any Indian was not protect his countrymen, how could we win? Gandhiji ने कहा था कि अगर हमारे देश के ही व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार जीत सकते थे. So Gandhiji cheated the lawyer. Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Gandhiji ने चंपारण एपिसोड को चंपारण was the first battle in his life when Gandhiji won against the British planters की British जो सिस्टम था उसके विरुद्ध गांधी जी की ये पहली लड़ाई थी और उसमें उनको विजय प्राप्त हुई थी. इसलिए गांधी जी ने उनकी जीवन का ये एक टर्निंग पॉइंट बताया है उसको. हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पुअर पीजेंट्स इन चंपारण. चंपारण ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि गांधी जी फोट ए फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट सिस्टम लैंडलॉर्ड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एंड he fought from the poor farmers of Champaran. He also cheated the liars for charging very high fees. Thus we can say that Gandhiji helped the poor peasants in Champaran. Our last question is, how did civil disobedience trump in India? Kis prakar कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो हमारे देश के अंदर विजय हुआ. गांधी जी फोट अगेंस्ट अनजस्ट सिस्टम इन बिहार एंड गांधी जी डिसओबे द ऑर्डर फ्रॉम ब्रिटिश एंड गांधी जी सेड दैट हाउ कैन द फॉरनर फॉर विड हिम इन हिज कंट्री कि वो उनको मना कैसे करेंगे कि उनकी वहाँ से अपने अधिकारों को दूसरे देश वाले अपने देश के अंदर ही उनका अधिकारों से वंचित किस प्रकार रख सकते हैं. ही फोट हिज केस वेरी स्ट्रोंगली. अपने लड़ाई को अपने केस को जो चंपारण का केस था उसको पूरी ताकत के साथ लड़ा गांधी जी ने एंड इन द एंड गांधी जी won his case and this was the first time when any Indian won against British. So civil obedience triumph in India. तो dear students ये आज का हमारा जो topic था lesson indigo lesson से संबंधित जो भी related questions थे उनसे. I hope you learn so much from this lesson. Thank you and have a nice day.